जाखल की नई बस्ती से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए दो बच्चों के शव पुलिस ने भाखड़ा नहर से बरामद कर लिए हैं, जो कि दोनों बच्चे आपस में गहरे दोस्त थे। वहीं मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप जाखल थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं मामले की सूचना पाकर डीएसपी बीरम सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिजनों की माने तो तेज धार हथियार से वार करके दोनों बच्चों की हत्या की गई है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। की जो थी 1.5 किले दूर पे, वहाँ पे मोटरसाइकिल 9 बजे बरामद, 8:30 बजे कर ली गई और घटना को उनको पहले इसके बारे में अवगत करवा दिया गया कि इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कोई भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी है। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि अब तत्काल से इस पे पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हुए कातिल को पकड़े और यहाँ पे उसको जो ज्यादा से ज्यादा कठिन सजा हो वो उसको दी जाए। देखिए, हमें दो जो बच्चे थे हमारे जैखल शहर के, उनकी गुमशुदगी के बारे सूचना प्राप्त हुई थी। जो सूचना मिलने पर अभियोग अंकित किया गया और नहर के पास से उनकी जो मोटरसाइकिल थी और जो उनकी कुछ चीज़ें थी वो बरामद हुई थी, जिससे संदेह की सुई जो है वो नहर के भी इसमें नहर में या तो गिराए गए हैं या गिरे हैं। उसके उपरांत शवों की तलाश की गई तो दोनों डेड बॉडी जो है एक रात को मिली थी और एक बच्चे की आज मिली है। अभी एक जो है वो शव गृह में टोहाना रखवाया गया है, दूसरा भी पहुंच रहा है डेड बॉडी दूसरे बच्चे की, पोस्टमार्टम कराएंगे। काज ऑफ डेथ जो है वो बोर्ड द्वारा करवा के क्लियर करा लिया जाएगा और पुलिस जो है पोस्टमार्टम के बाद कारण जानने के बाद जो है वो अगली कार्रवाई हमारी टीम जो है वो कर रही है और जो तकनीकी सहायता है हम वो भी ले रहे हैं और उसके हिसाब से भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जाखल की नई बस्ती निवासी मनीष और मोंटी दोनों आपस में गहरे दोस्त थे, जो रविवार को शाम 8 बजे बाइक पर सवार होकर घर से चले गए थे। इसके बाद जब वो वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश की। परिजनों की तलाश के दौरान उनकी बाइक चश्मा को नहर के पास से बरामद किया था। वहीं पुलिस ने भाखड़ा नहर के आसपास में तलाश शुरू करते हुए जांच को आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद बुधवार को दोनों के शव बरामद किए गए। बच्चों के शव मिलने के बाद परिजनों का गुस्सा भड़क गया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने थाने का घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की बात कही जा रही है। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।